हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NFSC का जो रिजल्ट है उसे UGC ने निकाल दिया है। तो अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया और आपका देखना चाहते कि आपका नाम जो उस लिस्ट में है कि नहीं है, तो ये आप जो है UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल पे UGC टाइप करना है। जैसे आप UGC टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको मेंशन कर रखा है www.ugc.ac.in। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो ऑफिशियल UGC का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा और आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे प्रेस रिलीज़, तो आपको यहाँ पे प्रेस रिलीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रेस रिलीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे जितना भी नोटिफिकेशन है वो सारा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ प्रेस रिलीज पे क्लिक कर लिया। प्रेस रिलीज पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिसेस का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको इस नोटिसेस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे देख सकते हैं कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट 2021 सेलेक्शन। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे हेडिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको जो इस पर क्लिक करना है, और ये जो नोटिफिकेशन आया वो 11 जून को जो है ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो सबसे पहले आप हम यहाँ पे देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो NFSC जो फेलोशिप है ये रिसर्च के लिए, मीन्स अगर आप MPhil या PhD में आप एनरोल होना चाहते हैं या आप MPhil या PhD करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है NFSC के थ्रू जो है यहाँ पे आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन आया है फॉर सेलेक्शन ईयर 2022-2021 और सेलेक्शन ऑफ फॉर द अवार्ड ऑफ फेलोशिप ऑफ टू स्टूडेंट विल मेड ऑन द बेसिस मेरिट ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने UGC नेट JRF या CSIR नेट JRF एग्जामिनेशन दिया है और आपने अगर नेट भी क्वालिफाई कर लिया है, तब भी आप जो है यहाँ पे आपकी मेरिट के बेस पे जो है यहाँ पे आपको NFSC का जो है वो अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CSIR UGC नेट जून 2020 के जो कि नवंबर में हुआ था उसकी बेस पे यहाँ पे 407 कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया है अवार्ड के लिए, और 407 जो कैंडिडेट है उनका जो है लिस्ट यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए ये जो NFSC का जो अवार्ड है, जो भी आपको इसमें पेमेंट मिलेगा वो आपको तभी मिलेगा जब आप MPhil या PhD में जो है वहाँ पर एनरोल हो जाएंगे। अगर आपने एनरोलमेंट ले लिया उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो है पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर रखी है www.ugcnetonline.in। तो इस पे भी आप जाके जो है अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नाम आपके सेलेक्टेड लिस्ट में है तो आप जो है अपना अवार्ड लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं www.ugcnetonline.in पर जाके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है द फेलोशिप विल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट ऑफ ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2020 एग्जामिनेशन डेट 24 फरवरी। तो यहाँ पे जो आपकी फेलोशिप रहेगी वो आपकी 24 फरवरी 2021 से जो है आप अपना फेलोशिप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि फेबररी से जो है आप जो अपना पेमेंट जो ले सकते हैं अगर आपने ज्वाइन कर लिया है PhD या MPhil कोर्स में, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ देखिए मेंशन कर रखा है, अगर आप PhD या MPhil में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो आपको 3 मंथ के अंदर जो है आपको अपना जो फेलोशिप है NFSC का वो आपको जो है यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 3 मंथ्स के अंदर आपको जो है अपना MPhil अपना जो फेलोशिप है NFSC वाला वो आपको एक्टिवेट करना होगा। वहीं अगर आपने अभी तक कहीं पर भी MPhil या PhD में आपने एडमिशन नहीं लिया है और आपका जो एडमिशन होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए, यहाँ पे पार्ट टाइम वालों को अलाउ नहीं है। अगर आप रेगुलर MPhil या PhD कर रहे हैं तभी आप इस फेलोशिप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है ना MPhil में ना PhD में, तो आपको यहाँ पे 3 ईयर का टाइम दिया गया है। जब से आप देखिएगा आपके अवार्ड लेटर में जो है डेट ऑफ इशू मेंशन किया गया है, तो अगर आपके डेट ऑफ इशू से आप 3 ईयर्स के अंदर विद इन 3 ईयर्स यू हैव टू टेक लाइक एडमिशन इन MPhil और PhD कोर्सेज, अदरवाइज यू वॉन्ट लाइक टेक द एडवांटेज ऑफ दिस NFSC फेलोशिप, ओके। तो फॉर क्लेमिंग द फेलोशिप द कैंडिडेट एडवाइज टू फिल इन द वेरीफिकेशन फॉरम कम ज्वाइनिंग रिपीट। तो जैसे ही आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं या MPhil में, तो आपको अपना जो है वेरीफिकेशन फॉर्म या हम कह सकते हैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे वो आपको यहाँ पे सेंड करनी होगी UGC के पास, आप विद अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ मेंशन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है
मैंने आपके साथ मेंशन कर रखे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रूल अभी ये आया कि आपको लाइक अपने जो भी आपका कॉन्टिन्यूएशन HR सर्टिफिकेट अगर आप HRA लेना चाहते हैं या कंटीजेंसी जो है वो आपको जो यहाँ पे मंथली बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा आपका। ये मोस्टली जो काम वो इंस्टीट्यूट करता है आपको बस अपने HRA या कॉन्टिन्यूएशन सर्टिफिकेट आपको देना होता है और उसके बाद 15 एवरी मंथ जो है आपका इंस्टीट्यूट जो है या फेलोशिप वो आपका जो क्लेम बिल है वो ऑनलाइन अपलोड कर देता है। ठीक है, तो ये सब तो बात की बात है जब आपकी फेलोशिप आपको स्टार्ट होगी ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एनेक्जर दे रखा है ज्वाइनिंग रिपोर्ट का, तो आप इन सबको एनेक्जर को आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद ये दे सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूशन भी मैंसन कर रखा है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको फिलअप करने और आपको अपने यूनिवर्सिटी में देना जहाँ से आप MPhil या PhD में इनरोल हुए हैं और बाकी का काम जो है वो आपका इंस्टीट्यूट ही कर देगा। तो चलिए ये तो हमने नोटिफिकेशन आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम देखिए गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस ऑलरेडी आप सबको पता है कि गाइडलाइंस क्या क्या हैं, तो देखिए यहाँ मैं आपको इस बेसिक बेसिक बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए द स्कीम प्रोवाइड फॉर न्यू 2000 फेलोशिप, 1500 जूनियर रिसर्च फेलो फॉर ह्यूमैनिटीज एंड 500 फॉर साइंस स्ट्रीम। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि लाइक ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में कितना फेलोशिप देंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम में तो आपको कितना जो है यहाँ पे आपको कितने लोगों को अवार्ड किया जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आपका रेगुलर MPhil या PhD कोर्स होना चाहिए और आप SC से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट में, और आपका नेट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर बात करें यहाँ पे फेलो ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, तो टोटल आपको यहाँ 5 ईयर्स का फेलोशिप दिया जाएगा। अगर आप MPhil कर रहे हैं तो आपको 2 ईयर्स का होगा और अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको यहाँ 5 ईयर्स का जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया जाएगा। तो आपको 2 ईयर्स एज ए GRF आप वर्क करेंगे एंड रिमेनिंग 3 ईयर्स एज ए SRF आप काम कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप MPhil और PhD दोनों में इनरोल है डुअल डिग्री में, तब भी आपको यहाँ मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर्स का रहेगा, 2 ईयर्स GRF एंड रिमेनिंग 3 ईयर फॉर SRF। ठीक है, तो अगर हम बात करें फेलोशिप के अमाउंट का, तो आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा फॉर इनिशियल 2 ईयर GRF के लिए, वहीं आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा रिमेनिंग 10 ईयर के लिए। वही कंटीजेंसी की बात करें तो 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस एंड 20,500 पर एनम फॉर रिमेनिंग 10 ईयर। वही साइंस वालों के लिए 12,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स एंड 25,000 पर एनम फॉर रिमेनिंग 10 ईयर। इसके अलावा अगर आप जो है यहाँ पे HRA लेना चाहते हैं, मतलब अपने हॉस्टल में नहीं लेना चाहते यूनिवर्सिटी के, तो आप जो है HRA भी क्लेम कर सकते हैं 8%, 16% एंड 24%। ये आपको डिपेंड करता है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको 24% HRA दिया जाएगा, वहीं अगर नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 16% HRA यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देख लेते हैं सिलेक्शन लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो लिस्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी लाइक स्टूडेंट जो सेलेक्टेड हुए हैं उन सबका जो है यहाँ पे रोल नंबर जो है वो मेंशन कर रखा, तो आप अपना रोल नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं कि अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो अच्छी बात है, आप इस NFSC का जो यूज है वो कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम भी जो है अपना CSINT क्लियर करिए अगेन, और आप उसके लिए जो है अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो अगर आप अपना यहाँ पे रोल नंबर चेक कर सकते हैं, अगर आपका रोल नंबर है तो आप जो है इसके बाद अगर आप PhD में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आप डायरेक्टली विद इन 3 मंथ आपको अपना जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो सेंड करना है UGC को। अगर आप PhD में इन्वॉल्व नहीं है ना कि आप MPhil में इनरोल्ड है, तो आपको विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द अवार्ड लेटर यू हैव टू इनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी फॉर परसुइंग PhD और MPhil। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इससे NFSC से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।